खबर सारण बिहार से। जामनौर सारण प्रखंड के अमनौर हरनारायण पंचायत स्थित पूर्व वारीपट्टी में नवनिर्वाचित मुखियों की एक बैठक। मुखिया डॉक्टर निर्मला सिंह की आवासीय परिसर में मुखिया श्याम सुंदर गिरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रखंड की सभी 18 निर्वाचित मुखिया में 16 मुखिया ने भाग लिया। इस दौरान प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष पद के लिए शेखपुरा पंचायत के मुखिया प्रतीक कुमार ने अमनौर हरनारायण पंचायत की महिला मुखिया डॉक्टर निर्मला सिंह के नाम का प्रस्ताव किया, जिनका समर्थन धरहरा पंचायत के मुखिया मीरा देवी ने किया। इस प्रकार सभी मुखियों ने एक स्वर में हाथ उठाकर उनका समर्थन किया। डॉक्टर निर्मला सिंह को निर्विरोध मुखिया संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर शेखपुरा पंचायत के युवा मुखिया प्रतीक कुमार बने, जबकि सचिव हुस्सेपुर पंचायत के मुखिया सुदीश कुमार, कोषाध्यक्ष रसूलपुर पंचायत के मुखिया श्याम सुंदर गिरी बने। वहीं मुखिया संघ के संयोजक मुस्तफा अंसारी का चुनाव किया गया। संगठन के चुने गए मुखियों को एक समारोह कर सभी मुखियों को फूल माला तथा अंगवस्त्र सम्मानित किया गया। मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष चुने जाने के बाद वीरेंद्र सिंह की पत्नी डॉक्टर निर्मला सिंह ने कहा, आप सभी ने जिस उम्मीद व विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं संघ के मजबूती के लिए आपके मान सम्मान व हक की लड़ाई के लिए तत्पर रहूंगे। राजीव सिंह व भाजपा नेता प्रिय रंजन सिंह युवराज ने आए अतिथियों को अंगवस्त्र फूलमाला से स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व सरपंच संजीव सिंह, मुखिया पति मुंचन सिंह, भाजपा नेता प्रिय रंजन सिंह युवराज, समाजसेवी कुलदीप महासेठ, पिंटू कुमार, वीरेंद्र राम, देव कुमार सिंह, संतोष सिंह, बिट्टू कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह, विश्वजीत सिंह समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मुखिया संघ के अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर निर्मला सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। सबसे पहले अमनौर प्रखंड के तमाम नवनिर्वाचित प्रतिनिधि को अपनी माता और अमनौर हरनायन के मुखिया श्रीमती निर्मला सिंह के तरफ से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज मुखिया संघ के रूप में जो हमारे माननीय मुखिया लोग हैं, उन्होंने जो सम्मान देने का काम किया है, उसके लिए मैं सादा ऋणी हूं। और जो भी मुखिया लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी समस्या होगा, उसको मैं हर संभव समाधान करने का प्रयास करूँगा। और साथ ही साथ जो हमारे अमनौर हरनायन के जो भी जनता है, जिन्होंने अपना मत देके भारी मतों से जिताने का काम किया है, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जिन्होंने मत दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है, मैं सभी का काम करने के लिए तत्पर हूँ। जो हमारे पक्ष के हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ, और जो हमारे विपक्ष के हैं, उनका भी आभारी हूँ। मैं दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों का काम करने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।